गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी. और आज है 11 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे हम 11 जुलाई के करंट अफेयर. तो आइए स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे. ओके, तो महाकवि कालिदास जी का एक कथन है कि वृक्ष के समान बनो जो कड़ी गर्मी झेलने के बाद भी सभी को छाया देता है. यानी जैसे वृक्ष होता है वैसे ही आपका व्यक्तित्व तो होना चाहिए कि आपके पास जो भी व्यक्ति रहे वो सुरक्षित महसूस करें, और अगर कोई परेशानी आती है तो आपके पास आकर उनको एक पॉजिटिविटी मिले, है ना, एक सकारात्मक सोच मिले जिससे कि वो अपनी परेशानियों से, अपनी मुश्किलों से लड़ सके. तो आइए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार भी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है. जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी डे हम तब मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पर जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है. तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि अनाउंसमेंट किस ईयर में करी गई थी. तो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी 1990 में, तो उस समय 11 जुलाई को ये डिस्कस किया गया था कि हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा, कब? 11 जुलाई को. ओके, अच्छा, इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन की स्कीम्स को लेकर आना, जो लिंग समानता है उसको उसको बढ़ावा देना, स्पेशली जो गरीब महिलाएं हैं, जो माताएं बनती हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनके देखभाल के लिए किस तरीके से मानवाधिकार काम कर सकता है और किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सकती है, इन सब बातों को लेकर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड. क्लियर? हमने बात कर ली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में. अच्छा देखो, कोई भी डे बनाते हैं तो उसकी थीम होती है. तो इस बार की थीम क्या है 2023 की, तो आप देख सकते हैं जेंडर इक्वालिटी पर बेस्ड है ये थीम. थीम है अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनडॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. इस थीम के साथ में हम 2023 का 11 जुलाई में विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं. क्लियर? देखिए स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है पार्थ सालुंखे. क्या नाम है? पार्थ सालुंखे नाम है. ये 19 वर्ष के हैं और महाराष्ट्र के सतारा जिले से बिलोंग करते हैं, पहली चीज. दूसरी चीज, ये किस चीज के खिलाड़ी हैं जान लेते हैं. तो ये आर्चरी खेलते हैं, यानी एक तीरंदाज है ये. ठीक है, अब देखो, आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई के बीच में, 3 to 9 जुलाई के बीच में आयरलैंड में ये चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें Under 21 जो मेल रिकर्व वर्ग है उसका व्यक्तिगत फाइनल इन्होंने जीत लिया, और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. और इस तरीके के, यानी Under 21 पुरुष व्यक्तिगत फाइनल में इस तरीके का मेडल जीतने वाला, गोल्ड मेडल जीतने वाला ये पहले व्यक्ति बन गए हैं. क्लियर? बात समझ में आ गई. साथ में ही भारत ने कुल 11 मेडल जीते हैं. कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है. ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है भाजा कौर के द्वारा. भाजा कौर कौन है? तो भाजा कौर भी, भाजा कौर वो महिला हैं जिन्होंने Under 21 महिला रिकर्व में जो व्यक्तिगत जब खेला तो उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और चीनी ताइपे की सू सीन यू को हराकर जीता है. क्लियर? बात समझ में आ गई. तो हमने बात कर ली किसके बारे में? पार्थ सालुंखे के बारे में. ओके, जिनका स्थान कोरिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है. यानी जो खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे कोरिया है और सेकंड नंबर पे पार्थ सालुंखे का नाम आता है, यानी भारत का नाम आता है. ओके, आयरलैंड के बारे में जानते हैं. आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो सबसे पहले तो यूरोप के महाद्वीप में आपको आयरलैंड देखने को मिल जाएगा. इसकी राजधानी क्या है? तो डबलिन है. मुद्रा यूरो है. राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस है और प्रधानमंत्री कौन है? तो लियो वराडकर है. कौन है? लियो वराडकर हैं, जो भारत वंशी हैं या भारतीय मूल के हैं. अच्छा, यूरोप के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 देश ऐसे हैं जहां पे भारतीय मूल के जो जो व्यक्ति हैं वो उस देश के प्रमुख के रूप में काम करते हैं. सबसे पहले तो ब्रिटेन का नाम आता है, जहां पर ऋषि सुनक के बारे में हम जानते हैं जो भारतीय मूल के हैं. इसके अलावा पुर्तगाल के एंटेरियो कोस्टा हैं जो भारतीय मूल के हैं, और आयरलैंड के लियो वराडकर हैं जो भारतीय मूल के हैं. क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्या है. तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं, वो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी PGI जिसको मैं बोलूँगी, आप समझ लीजिएगा.
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? 2.0 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, जिसको रिलीज किया गया है भारत के एजुकेशन मिनिस्ट्री के तरफ से। उसका जो डिपार्टमेंट है साक्षरता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो डेटा है वो रिलीज किया गया है। अब इसमें क्या है, तो जो पीजीआई यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 है, इसमें भारत के जो भी स्टेट हैं, जो भी यूटीज हैं, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में स्कूल्स की क्या परफॉर्मेंस है, उसकी एक ग्रेडिंग तैयार करी गई है और उस ग्रेडिंग को रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। क्लियर, बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, इसमें 10 कैटेगरीज हैं, यानी इसमें 10 कैटेगरीज हैं, और 10 कैटेगरीज में से कौन कौन से स्टेट किस नंबर पे हैं या किस कैटेगरी में है, ये सारी बात बताई गई है। जिसमें से मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टार्टिंग के 5 ग्रेडिंग है, जो 5 जो कैटेगरी है 1 to 5 तक, उसमें कोई भी स्टेट या यूटी नहीं है भारत का। यानी 6 to 10 तक में आपको सारे स्टेट और यूटी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर है पंजाब और चंडीगढ़, और साथ में राजस्थान भी है, ठीक है। पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान सबसे ऊपरी लिस्ट में है, यानी 6 नंबर पे आता है। क्लियर, तो हमने बात कर ली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा जो पीजीआई 2.0 रिलीज किया गया है उसके बारे में। ओके, अच्छा पीजीआई 2.0 का कुछ स्टैंडर्ड है वो देख लेते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड के अंदर भी कुछ सब कैटेगरी दी गई है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है वो देख लेते हैं। देखो, 6 स्टैंडर्ड सेट किया गया है इस ग्रेडिंग के लिए। वो क्या क्या है, तो लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, स्कूल तक पहुँच, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, समानता, गवर्नेंस, मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन एंड ग्रेडिंग शामिल है। ओके, तो ये 6 कैटेगरी है, और इसमें अलग अलग राज्यों के लिए आप देखेंगे तो कुछ सब कैटेगरी भी बनाई गई है, जिसमें जिसकी जो संख्या है वो कितनी है, तो 73 अलग अलग जो मानक हैं उसको निर्धारित किया गया है, जो इस 6 स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, अच्छा देखो, जो ग्रेडिंग है वो किस तरीके से की जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये पूरे 10 यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम दी गई है, यानी जो ये 10 तरीके से ग्रेडिंग करी गई है भारत के शिक्षा व्यवस्था की, भारत के स्टेट्स को और यूटीज को दी गई है, जिसमें से 1 to 5 तक कोई भी स्टेट नहीं है। 6 नंबर पे आता है पंजाब, चंडीगढ़, और साथ में इसके है राजस्थान। ओके, क्लियर, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है। तो जो प्रचेष्टा 2 है उसमें पंजाब है, चंडीगढ़ है, और साथ में इसके राजस्थान भी है। 7वीं श्रेणी जिसको प्रचेष्टा 3 बोला गया है, उसमें भारत का गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल है, ठीक है। 8वीं श्रेणी में भारत के 13 राज्य शामिल हैं, और जो 9वीं श्रेणी है उसमें भारत के 12 राज्य शामिल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई आप सबको अच्छे से? और अच्छे से अगर आपको जानना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम के लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, आइए बात करते हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बारे में, जो 10 और 11 जुलाई को यात्रा पर थे मलेशिया के, ठीक है। मलेशिया की यात्रा पर थे, तो निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौते हुए, दोनों देशों के बीच में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के बारे में विचार विमर्श किया गया है। जब राजनाथ सिंह मलेशिया गए तो वहाँ पर ये किससे मिलेंगे, तो वहाँ पर ये सबसे पहले वहाँ के जो रक्षा मंत्री थे, जिनका नाम है दातो सेरी मोहम्मद हसन, इससे मुलाकात करी इन्होंने। और उसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के, जिनका नाम है CYB दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, इनसे भी मुलाकात करी है। क्लियर, तो हमने बात कर ली राजनाथ सिंह जी के बारे में, जो 10 और 11 जुलाई को मलेशिया की यात्रा पर थे। ओके, मलेशिया के बारे में समझते हैं। तो देखो, आप जब एशिया का मैप देखोगे, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आओगे एशिया के, तो वहां पर आपको मलेशिया देखने को मिल जाएगा, मलय द्वीप, ठीक है, मलय द्वीप, और जो बोर्निया द्वीप है उस पर मलेशिया बसा हुआ है, और मलय द्वीप पर बसे होने के कारण ही इसका नाम मलेशिया पड़ा है, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग आकर बसे थे, दूसरे देशों के लोग आकर बसे थे, तो यहाँ पर आपको मलय संस्कृति से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, यानी विविध संस्कृतियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी, भारतीय संस्कृति, चीनी संस्कृति, मलय की जो संस्कृति है, कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण है ये देश।
यहाँ की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है, मुद्रा रिंगित है, और प्रधानमंत्री जैसा कि हमने बात कर ली, CYB दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है, रक्षा मंत्रालय ने एक समझौता करा है। किसके साथ समझौता करा गया है? जो भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता करा है। समझौता किस चीज़ के लिए है? तो भारतीय तटरक्षक के लिए 2 डोर्नियर विमान की खरीद करेगा। रक्षा मंत्रालय भारतीय तटरक्षक के लिए 2 डोर्नियर विमान की खरीद करेगा। किससे? HAL से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लिमिटेड से। और इसके लिए समझौता किया गया है 458.87 करोड़ रुपए का, यानी 458.87 करोड़ रुपए की का समझौता किया गया है। कब किया गया है? 7 जुलाई को किया गया है। और ये एसोसिएटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के रूप में समझौता किया गया है। एसोसिएटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के रूप में समझौता करा गया है। क्लियर। अच्छा देखो, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए कानपुर में जो HAL का, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो डिपार्टमेंट है, वो इस डोर्नियर विमान को बनाएगा। क्लियर। और इसके पीछे का मोटिव यह है कि जो समुद्री सुरक्षा है भारत की, उसको बढ़ाने के लिए जो आधुनिक तकनीक से लैस होना चाहिए ये डोर्नियर विमान। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। हमने बात कर ली किसके बारे में? HAL के बारे में बात कर ली, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात कर ली, जिसके साथ में समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने एसोसिएटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के रूप में 2 डोर्नियर खरीदने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की सुरक्षा के लिए। ओके, क्लियर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में आओ बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो स्थापना इसकी करी गई थी 23 दिसंबर को 1940 में, और इसका नाम रखा गया था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। ठीक है, बैंगलोर में स्थापना करी गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो वाल चंद्र हीरा चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी बैंगलोर में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से। और कब करी गई थी? तो 23 दिसंबर 1940 में करी गई थी। क्लियर। अच्छा, 1940 में जब इसकी स्थापना करी गई थी, तो यहाँ पर 1942 से काम होना स्टार्ट हो गया था, यानी जो विमान है उनको बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। अच्छा, साथ में ही 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया था, यानी इसका गठन किया गया और फिर इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंगलोर में है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका जो भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसके तहत ये काम करता है ना। और इसका जो भी जो डायरेक्टर है, या जो भी डायरेक्टर जो डायरेक्टर की जो मंडल है ना, निदेशक मंडल है उसका, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसके डायरेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, और रक्षा मंत्रालय के तहत ये काम करता है। क्लियर। देखिए, यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो 7 जुलाई को बनारस की यात्रा पर थे, और वाराणसी की यात्रा पर इन्होंने कुछ ऐसी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। ठीक है, परियोजनाएं कितनी थी? तो लगभग 29 परियोजनाएं थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, साथ में ही नरेंद्र मोदी ने 12,110 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है। ये थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसमें जो 29 परियोजनाएं थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर। देखो, सबसे पहली बात कि जो बनारस है उसका जो बुनियादी ढांचा है ना, यानी उसका जो बेस है उसको सुधारने के बारे में बात करी गई है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और साथ में जो सोन नगर रेलवे लाइन है, सोन नगर रेलवे लाइन है, यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा NH 56 है, NH 56 पर आप देखेंगे कि बनारस और जौनपुर, यानी वाराणसी और जौनपुर खंड की जो लेन है आपको यहाँ पर दिख जाएगी NH 56 पर। और यहीं पर 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, यानी रोड को चौड़ा करने के बारे में बात की जा रही है। BHU में एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, और जो वाराणसी का करसरा गांव है
यहाँ पर एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ में ही जो हम वाराणसी को जानते हैं तो उसके कुछ घाटों के लिए उसको हम जानते हैं, जो वाराणसी के घाट हैं वो अपने घाटों के लिए फेमस है वाराणसी, ठीक है। तो जो दशाश्वमेध घाट है, साथ में ही मणिकर्णिका घाट है और हरिश्चंद्र घाट है, वहां पर क्या किया जाएगा, एक फ्लोटिंग चेंजिंग रूम का निर्माण किया जाएगा और इनका पुनर्विकास भी किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, जल जीवन मिशन है, उसके तहत लगभग वाराणसी के गांवों के लिए 192 यानी 192 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम भी स्टार्ट की जाएगी। 192 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम भी स्टार्ट की जाएगी अंडर जल जीवन मिशन। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कोई स्टेट पढ़ते हैं तो उस स्टेट के बारे में जरूर जानकारी लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हुए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत के उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश स्थित है और भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला एक राज्य है। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, लगभग 80 सीटें यहाँ से जाती हैं और राज्यसभा के लिए भी 31 सीटें यहाँ से जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, याद रखिएगा। विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और इसकी स्थापना एक राज्य के रूप में कब करी गई थी, तो 1950 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर। देखिए, केंद्र सरकार का जो होम मिनिस्ट्री है उसके तहत किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक सद्भावना ट्रस्ट है जो दिल्ली बेस्ड है, सद्भावना ट्रस्ट नाम का एक एनजीओ है जो दिल्ली बेस्ड है, तो इसका विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम रद्द कर दिया है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ सद्भावना ट्रस्ट का, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं कि सद्भावना ट्रस्ट लगभग 1990 में खोला गया था, इसकी स्थापना करी गई थी 1990 में, है ना। और ये स्पेशली दूर दराज इलाकों के, स्पेशली जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर मजदूरों के लिए काम करता है और आर्थिक रूप से जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो मजदूर हैं, उनकी हेल्प करने का काम करता है, जिसका विदेशी अनुदान जो यानी कि जो विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसको रद्द कर दिया गया है हमारे देश का जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। क्लियर, बात समझ में आ गई। देखिए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका गठन किया गया था 1976 में, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नियंत्रित होता है किसके द्वारा, या इसके जो कामकाज है इसकी देखरेख कौन करता है, तो भारत का जो गृह मंत्रालय है उसके तहत ही ये काम करता है। क्लियर। विदेशी जो अंशदान है यानी कि जो भी विदेशों से पैसा आ रहा है या भारत से विदेशों को पैसा जा रहा है, तो इसके लिए ही इस एक्ट का निर्माण किया गया था जिसका नाम है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसको हम FCRA कहते हैं। और इसको गठित कब किया गया था, तो 1976 में इसको गठित किया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि विदेशी योगदान की देखरेख करना, यानी जो पैसा आ रहा है वो स्पेशली किन कामों में लगाया जा रहा है, या अगर बाहर पैसा भेजा जाएगा तो वो किन कामों में लगाया जाएगा। ऐसा तो नहीं किसी भी देश की अखंडता और स्पेशली भारत की जो अखंडता है उसकी संप्रभुता है, या सांप्रदायिक किसी एक्टिविटी में तो इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारा देखरेख का काम गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत, यानी FCRA के तहत। क्लियर। अच्छा देखो, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उन एनजीओस का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है जो स्पेशली धार्मिक संस्थान के रूप में काम करते हैं, शैक्षणिक संस्थान के रूप में काम करते हैं, या फिर किसी राजनीतिक दल का भी कराया जा सकता है ना। और जो रजिस्ट्रेशन की अवधि होती है, यानी जो अगर किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, और 5 साल के बाद फिर से इसको रिन्यू कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, किस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो इस तरीके के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है जिसने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में
सामाजिक आर्थिक रूप से सांस्कृतिक या शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगभग 3 साल तक का काम किया हो। कितना काम किया हो? 3 साल तक का काम किया हो। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करा जाता है, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो प्रतिबंध जो है FCRA के द्वारा ही लगाया जाएगा। अगर भारत की अखंडता के लिए या सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के लिए फंडिंग करी जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्लियर? आइए बात करते हैं भारत सरकार और भूटान के बारे में। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने भूटान से बिना लाइसेंस के ये अनुमति दे दी है कि 30 जून 2024 तक भूटान से आलू को खरीदा जा सकता है। ठीक है, यानी बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है केंद्र सरकार ने। और ये अनुमति कब तक के लिए दी है? तो 30 जून 2024 तक के लिए दी है। क्लियर? और साथ में आपको बता दूं कि एक रिकॉर्ड में ये भी बताया गया है कि 2022-23 में जो ठंडे आलू हैं या जो ताज़ा आलू हैं वो भूटान से खरीदे गए थे, और कितने कितने के खरीदे गए थे? तो लगभग $10.2 लाख के खरीदे गए थे। $10.2 लाख के आलू खरीदे गए थे भूटान से 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? हमने बात कर ली भूटान के बारे में, जहां से बिना लाइसेंस के आलू की खरीद की जा सकती है। ओके, इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नई बातों के साथ में, नई विचारधाराओं के साथ में। तब तक खूब अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और प्लीज मेरे चैनल पर भी बने रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप टेलीग्राम के लिंक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।